नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एमए फाइनल हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 6 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैमास वध के प्रसंग में कि किस प्रकार कैमास जो है वो करनाटी दासी के प्रति आसक्त हो जाता है। रात्रि में करनाटी दासी के महल की तरफ जाते हुए उसे परमारी रानी की एक विश्वसनीय जो दासी है वह देख लेती है। वह रानी को इसकी सूचना देती है, रानी क्रोधित होती है और रानी उसी दासी के हाथों एक भुज पत्र लिखकर दासी को पृथ्वीराज के पास भेजती है। दासी जो है वो शीघ्रता के साथ पृथ्वीराज के पास पहुंच जाती है, जहां जंगल में पृथ्वीराज आखे तक शिकार करने के लिए रुके हुए थे। अब हम उससे आगे देखें। सुभ्रत सचित सुनंदा संग सा रैणी जग गई अविद्धा दीप को जरई सुमुद्धता नुपर सद्दानी भानी अच्छानी। वहाँ पर जहाँ पर दासी पहुँची है, जिस जंगल में पृथ्वीराज रुके हुए हैं, वहाँ की जो भूमि है उस भूमि पर वहाँ के भूपति अर्थात राजा पृथ्वीराज जो है वह सुनिद्रा में जो है वो अच्छी नींद में सो रहे थे, लेकिन उनके साथ रात्रि अवैध रूप से जाग रही थी। यहाँ पर रात्रि के अवैध रूप से जागने की बात कहकर कवि चंद वरदे का तात्पर्य यह है कि उन्हें विदित था कि कुछ न कुछ अवैध कार्य जो है या कुछ न कुछ अवैध जो घटना है वह आज घटने वाली है। दीपक जल रहा था, उसी समय उस दासी के नुपुर की उसके पायल के जो है वो आवाज़ से जो है वहाँ का सारा वातावरण जो है वो गुंजायमान हो गया और एक तरह का जो वहाँ पर जो स्तब्धता थी, जो सूनापन था, वह भंग हो गया। दासी ने वहाँ पर सुरक्षा प्रहरी के माध्यम से पृथ्वीराज के पास संदेश पहुँचवाया कि भाई दासी जो है वो परमारी रानी की विश्वसनीय दासी आई है। तो अब देखिए प्रहरी जो है वो भीतर जाकर क्या संदेश देता है। भूकंप जयचंद राय कट के शंकापी न ज्ञायते संसाहिस साहब साही सकलम इच्छा में बुद्ध युद्धाई ने सिद्धम चालोक चाई मंत्र गहने दूर स विश्वासरे अज्ञान चौहान जान रही है देड़ोपी रक्षा करे। अब जो कैमास ने जिस प्रकार का कार्य किया है उस कार्य जो है उस कार्य के आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि वह कार्य जो है वो नीति के विरुद्ध था, कर्तव्य से जो है वो च्युत हुआ है कैमास। तो जयचंद राजा के कटक के जहाँ पर जो है वो पृथ्वीराज को जो है वो शंका भी नहीं होती थी जिस प्रकार से भयानक भूकंप आ जाए, या राजा जयचंद ने जिस प्रकार से उनका अपमान किया तो भी जो है वो पृथ्वीराज निष्कटंक रहे। शहाबुद्दीन गौरी से भी पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध अपनी इच्छा से किए थे। सिद्ध चालुक्य नरेश भीम को भी जो है वो जब पृथ्वीराज चौहान ने बंदी बनाया था युद्ध में, तब कैमास उनके साथ था और विश्वासरस नामक स्थान से कुछ ही दूरी पर था। ऐसे में जो है वो पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा को जो है वो कैमास जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। पृथ्वीराज की अनुपस्थिति में कैमास ने इस तरह का कार्य किया वहाँ राजमहल में। अब देव ही कैमास की रक्षा कर सकते हैं। कवि चंद वरदाई ने ऐसा कहा है कि देव ही जो है वह इसकी जो कैमास है उसकी रक्षा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि पृथ्वीराज बहुत क्रोधित हुए यह जानकर। छत्ती हत्तु धरन नयनु चाहियो तब ही सिदासी करी हत्त सुबंशी सुनावियो बानावरी दो बास रोस रीस दाहियो मन ही नागपति पत्नी अप जगावी। अब देखिए उस भुजपत्र को पढ़ने के बाद, यह सूचना प्राप्त करने के बाद पृथ्वीराज की क्या प्रतिक्रिया हुई। जगाने के लिए जो है वो दासी ने जैसे ही अपना हाथ पृथ्वीराज की तरफ बढ़ाया पृथ्वीराज की आँखें खुल गई। दासी ने तत्काल वह पत्र जो है वो पृथ्वीराज को पढ़कर सुनाया। उस पत्र को सुनते ही पृथ्वीराज की दोनों भुजाओं में बाणावलियाँ शोभित होने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वीराज जो है वो कैमास का वध करने के लिए उद्धृत हो गए और क्रोध से अत्यंत भर गए। दासी का जो है वो पृथ्वीराज को उस समय दासी को पृथ्वीराज का रूप उस समय ऐसा लगा कि जैसे नागपति को उन्हीं की पत्नी ने स्वयं जगा लिया हो। तात्पर्य यह है कि पृथ्वीराज को इतना क्रोध परमारी रानी के उस पत्र की सूचना को पाकर हुआ। अब देखिए आगे क्या प्रतिक्रिया हुई। संग सयन न सत्थी नृपति न जानियो रुदु विच्छि एक दास्य संग समानियो इंदु फणेन्दु नरियंद अति सुभानियो घरह घरिय दुह मज्जि तश्य ने आनियो। पृथ्वीराज की यह बात, जो बात दासी ने पृथ्वीराज को बताई, यह बात न तो पृथ्वीराज के साथ आए हुए सामंतों को पता चली और ना ही सेना को जो है वो पता चली, और दासी को भी किसी ने नहीं देखा। पृथ्वीराज ने स्वयं और अपनी पटरानी रानी के बीच में उस दासी को रखकर उस दासी को सम्मानित किया।
कहने का तात्पर्य यह है कवि चंद्रवरदाई का कि यह बात केवल तीन लोग ही जानते हैं कि कैमास जो है वो करनाटी दासी के राजमहल में गया है, रानी पटरानी, पटरानी जो रानी है परमारी रानी, स्वयं दासी और पृथ्वीराज, ये तीन लोग ही उसे जानते हैं। उसने इंद्र फणिंद्र और निर्दय अतिथि गुष्टे को तुरंत भंग समाप्त कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर जो सभा लगी हुई थी उन सभा को जो है वो पृथ्वीराज ने व्यक्तिगत रूप से तुरंत भंग किया और तत्क्षण जो है वो राजमहल की तरफ वह चले। वह दासी जो है वो दो घड़ियों में ही पृथ्वीराज को जो है राजमहल ले आई। यहाँ पर ये बार बार घड़ी और समय का जो है वो कवि वर्णन कर रहा है, कहना चाह रहा है या यह दिखाना चाह रहा है कि किस प्रकार यह सारी की सारी घटना जो है वो एक ही रात्रि में घटित हुई है। तो इस प्रकार जो है वो दासी उन्हें ले आई। नवती नव पल्ल निसी गलित धनु घुम्मई चीही पासी पानी न अंशी न संचरु महल महुल कहल कहमास। कैमास के जो है वो महल में आने के उपरांत 99 पल जो है वो निशा व्यतीत हो गई थी, अब काफ़ी रात्रि जो है वो बीत गई है। इधर पृथ्वीराज जैसे महल में पहुंचे वह कैमास का वध करने के लिए उन्होंने अपना धनुष जो है वो छड़ा लिया और वह कैमास को लक्ष्य करने लगे। उसी समय जो है वो अंधकार छाया हुआ था और कैमास जो है वो करनाटी दासी के राजमहल में करनाटी दासी के साथ केली में रत था, प्रेम में रत था। रतिपति मुच्छी अलुष्य तन धनु दुल्ली बिज काज तड़ित की उंगली अधम सुभरिद बान पृथ्वीराज। जिसके तन रतिपति काम से मूर्छित थे और जो है वो कवि चंद्रवरदा यह कहना चाह रहे थे कि चूंकि जो है वो कैमास जो है वो काम में रत था तो वह मूर्छित था, उसे न कुछ दिख रहा था न कुछ समझ में आ रहा था और चूंकि उसकी काया हिलडुल रही थी इसलिए पृथ्वीराज भी उस पर अपने धनुष का संधान करने में जो है वो उसका धनुष से बाण का संधान उस पर बराबर हो नहीं रहा था। इस प्रकार जो है वो अधम से जो है वो उंगली से तुरंत ही उनका जो है वो एक तीर छूट गया और वह बाण जो है वो धनुष पर जा लगा। आगे देखिए, भरिक बाण चौवान जानी दूर देव नाग नर मुठ्ठी दिट्टी रीस डुल्ली की चक्की नुक्की एक सर। उभय बाण दिए हत्ती पुट्ठी परमारी पचारी बानावरी तत्कंटी घुटित धर धरनी आधारित कि कब्बु सब्बु सरसई गणित फणियों कहु कवि छंद तत ईम परव अव्यास अवास ईम जीव निसी नसित नक्षत्रपति। इधर क्रोधित होकर उन्होंने अपना बाण जो है वो धनुष पर चढ़ाया। पृथ्वीराज के बाण धनुष पर रखते ही कवि छंद कहते हैं कि देव नाग नर सब छिप गए। सबको पता था कि पृथ्वीराज जो है वो अत्यंत क्रोधित में अत्यंत ही क्रोध में है इसलिए वे लोग डर के मारे छिप गए। क्रोध के कारण पृथ्वीराज की मुट्ठी और दृष्टि डोल गई और एक बाण जो है वो छूक कर कैमास के पास से निकल गया। तत्पश्चात पीछे खड़ी परमारी रानी ने पृथ्वीराज को ललकारा और एक बाण उन्हें और दिया और उनकी पीठ से उनको जो है वो प्रेरित किया, उत्तेजित किया। वाणावली के तड़कते ही दूसरे बाण का संधान करते ही जो बाण था वह जो है वो कैमास के सीधा गले में जा लगा और उसका सिर जो है वो धड़ से अलग हो गया। अब आगे जो है वो आप देखिए, यह सारा का सारा वर्णन चंद्रवरदाई को कैसे पता चला। तो कवि छंद कहते हैं कि यह सारा का सारा काव्य सरस्वती ने विचार करके, माँ सरस्वती ने जो है वो विचार करके स्वप्न में आकर मुझे कहा। वह कैमास जो है वो राजमहल से ऐसे गिरा जैसे मानो कोई नक्षत्र जो है वो रात्रि में आकाश से धरती पर गिर गया हो। आगे देखिए, सुंदर गही सारंगो दुज्जन दम मोई पिश्य साकई किंग किंग विलास गई को किंग किंग दुष्याय। पृथ्वीराज ने परमारी रानी से कहा कि हे सुंदरी तू इस धनुष को थाम और कैमास का दमन करने वाले इन बाणों को देख। इस कैमास ने चरित्र भ्रष्ट होकर क्या क्या विलास किए लेकिन किन किन दुखों के लिए। कवि छंद के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार का विलास या जिस प्रकार का कार्य कैमास ने किया तो उसका अंत इसी प्रकार से होना था, इसी प्रकार के दुख जो है वो उसके जीवन में आने थे। अब तदंतर क्या हुआ उसका वध करने के बाद जो है वो पृथ्वीराज ने का निर्णय लिया और कवि छंद ने किस प्रकार जो है वो सरस्वती का आह्वान किया इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।